हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिंटू कुमार और आप देख रहे हैं फूड बाबल एंड बीस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो हार्ट गेन करते हैं या जिन्हें अपने वेट या मसल मास को इंक्रीज करने में दिक्कत आ रही है। आज हम बात करेंगे जब मुझे जरूरत होती है तो मैं कैसे वेट पुट ऑन करता हूँ या अपने मसल मास को इंक्रीज करता हूँ, और इसी तरह से कैसे आप भी अपने वेट या मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी क्या सीक्रेट रेसिपी है मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब का बटन दबा रखा है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन जरूर दबा दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट chintu_kumar10 पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वेट गेन करना या मसल गेन करने का एक ही मंत्र है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी वेट गेन करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, और वो मंत्र है कैलोरी सरप्लस में खाना। आसान शब्दों में, आप जितना खा रहे हो आपको उससे ज्यादा खाना होगा, बट पूरे दिन सॉलिड फूड खाना, और वो भी खासकर बहुत सारा सॉलिड फूड खाना, इतना आसान नहीं होता। और जिन्हें ज्यादा खाने की आदत नहीं है उनके लिए तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसे एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे ये इजीली डाइजेस्टेबल होगा और साथ ही साथ बार बार खाने की समस्या दूर हो जाएगी। तो मार्केट में जो भी वेट बढ़ाने के लिए या फिर मास बढ़ाने के लिए वेट गेनर और मास गेनर अवेलेबल है, अगर आप उसके लेवल को चेक करें तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो कैलोरी डेंस होते हैं, यानी उनके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफी हाई कैलोरी के होते हैं। सो जब आप उसका एक शेक तैयार करते हैं तो वो शेक एक काफी हाई कैलोरी का शेक बनता है, और हमें मास या वेट गेन करने के लिए हाई कैलोरी कंज्यूम करना होता है। तो आज हम यही शेक अपने घर पे बनाने जा रहे हैं बिना किसी सप्लीमेंट को यूज किए हुए। और दोस्तों, ये शेक केवल उनके लिए नहीं है जिन्हें वेट इंक्रीज करना है। जो लोग अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं बट अपने मसल मास को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी ये शेक काफी यूजफुल है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 50 से 60 ग्राम ओट्स जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके साथ हम यूज करेंगे एक बनाना, जो कोशिश करें कि ये राइप बनाना हो क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ 2 से 3 डेट्स जो एक नेचुरल स्वीटनर का काम करता है और साथ ही साथ इसमें फाइबर्स भी होते हैं। साथ ही यूज करेंगे हम 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम, और उसके साथ करीबन 1 से 2 स्पून पीनट बटर जो गुड फैट का एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद हम यूज करेंगे 300 ml मिल्क। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो इसे लो फैट मिल्क भी यूज कर सकते हो या फिर आप फुल क्रीम मिल्क भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम लास्ट में यूज करेंगे 1/2 स्पून हनी। आखिरी में हमें चाहिए होगा ग्राइंडर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ही हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार करते हैं अपना शेक। तैयार है हमारे शेक, जो मार्केट में अवेलेबल किसी मास गेनर या वेट गेनर से कम नहीं है। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं वो अपने शेक में 1 स्कूप प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो आप इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें और आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने वजन में और अपने मसल मास में काफी फर्क पाएंगे। तो आप अपने वजन के हिसाब से इसे 1 से 2 बार यूज कर सकते हो। अगर आपका वजन काफी कम है तो आप इसे ब्रेकफास्ट में और शाम में स्नैक्स के तौर पे यूज करें, और अगर आप एक बार यूज कर रहे हैं तो दोनों टाइम में से किसी एक टाइम पे यूज कर सकते हो। तो चलिए एंजॉय करते हैं हमारा शेक। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जैसा कि मैंने आप सबके साथ वादा किया है कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक Q&A सेशन करूंगा जिसमें मैं आप सबके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास काफी सारे सवाल आ रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। तो ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा, और आप भी हमारे चैनल को इस तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, टेक केयर।